अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्ना तूने ये कुर्ता क्यों पहना? क्यों पहना मतलब माँ आप ही तो लाई थी, ये कुर्ता ऊपर पड़ा हुआ था। नहीं नहीं, हम तो वो दूसरा वाला कुर्ता लेकर आए थे, हमने तुझे दिखाया भी था, वहीं टेबल पर रख दिया था हमने उसे। हाँ माँ, लेकिन उस पे तो सिंदूर गिरा हुआ था, दाग लगे हुए थे, मुझे लगा कि ये कुर्ता पहनने के लिए कहा था आपने। दिव्यांशी ने ये वाला कुर्ता क्यों पहन लिया? सुजाता, ये क्या तरीका आवाज देने का? अभी सारा प्रसाद गिर जाता। दिव्यांशी, ये आपने ये कुर्ता क्यों पहना है? होली बनने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। अगर तुमको दिव्यम को अपनी पसंद का कुर्ता पहनाना था तो तुमने हमारा दिया हुआ कुर्ता गंदा कर दिया, उसमें सिंदूर गिरा दिया, लगा दिया। नहीं माची, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर कुर्ता अपने आप गंदा हो गया? अरे हमने तो दिव्यम को नया कुर्ता ला करके दिया था। तुम सच बोल रहे? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि दिव्यम जी को गलत फहमी ना हो जाए इसलिए हमने हमारा वाला कुर्ता अलमारी में रख दिया था। नहीं राधिका, ये कुर्ता अलमारी में नहीं, गद्दे पर पड़ा हुआ था बाहर। राधिका, अगर तुम्हें अपनी पसंद का कुर्ता पहनाने का इतना ही दिल कर रहा था, अरे तो हमें बता देते ना, हम अपनी पसंद का कुर्ता दिव्यम को नहीं देते, वो किसी और दिन पहन लेता। लेकिन उस कुर्ते को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? सुजाता, क्या तुम भी जरा सी बात पे आंसू बहा रही हो? अरे क्या हो गया अगर दिव्यम ने राधिका का दिया हुआ कुर्ता पहन लिया तो? कौन सा पहाड़ टूट गया? सुजाता, जग्गू सही कह रहा है, अपने पुत्र मोह से बाहर निकलो, यूं पति पत्नी के जरा जरा सी बातों में बीच में मत आओ। और राधिका का मन होगा कि दिव्यम उसकी पसंद का कुर्ता पहने, तो इसमें गलत क्या है? नहीं बड़ी दादी, लेकिन हमारी ऐसी कोई खास इच्छा नहीं थी। नहीं बेटा, इच्छा हो भी तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारा हक है ये बेटा। सुजाता, जाने अनजाने में जो कुछ हुआ उसे ये मानकर अपना लो कि दिव्यम राधिका के दिए कुर्ते को पहनकर ही पूजा करे। और त्योहार के दिन यूं आंसू बहाकर घर का माहौल खराब मत करो। चलो सब लोग पूजा की तैयारी करते हैं, आओ। जी बुआ जी, चलिए सब लोग। राधिका, मुझे नहीं पता कि कुर्ते की अदला बदली कैसे हो गई, मुझे ये भी नहीं पता कि सिंदूर कैसे गिर गया कुर्ते पर, लेकिन जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। इतना बड़ा त्योहार का दिन है और माँ के आंख में आंसू नहीं आने चाहिए थे। लेकिन जी, आंसू नहीं आने चाहिए थे। सुजाता, तुम तो अपनी बहू राधिका को डांट खिलाना चाहते थे और खुद डांट खा कर आ गई। वाह, पर मानना पड़ेगा सुजाता, तुम्हारी बहू राधिका है तो बड़ी चंट। देखो कितनी सफाई से उसने अपना कुर्ता कैसे दिव्यम को पहना दिया। ये क्या है राधिका? ये तो वैसे भोग के चावल नहीं है जैसे हमने बताए थे। अब क्या तुमने अपने घर के हिसाब से भोग बनाया है? सॉरी माजी, वो गलती से रेसिपी जल गई थी हमसे। वाह राधिका, पहले तुमने हमारे मुन्ना का कुर्ता गंदा किया, उसके बाद हमने जैसा कहा था वैसा नहीं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से
कुछ भी भोग बना दिया। अरे अगर रेसिपी जल गई थी तो हमसे फिर से पूछ लेती। सुजाता इतना छोटी छोटी बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। जब भोग जल गया था तो राधिका आई थी हमारे पास। बड़ी दादी हम आपके पास ही आ रहे थे। क्या हुआ राधिका बेटा? हमसे ना गलती से भोग जल गया है और पूजा में भी बहुत कम समय रह गया है। हमारे मायके में जैसा भोग बनता है वैसा बना दे क्या? जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। भोग तो भोग होता है, ये बसंती चावल भी सरस्वती माँ को बहुत पसंद आएंगे। और हर चीज में नुस्ख निकालना बंद कर दो। अभी अगर आपको चावल खराब ही करने थे तो अच्छे से करती ना, कम से कम राधिका बना तो नहीं पाती। सुजाता मैंने खराब नहीं किया है, मुझे लगा तुमने खराब किया है। नहीं भाभी हमने भी नहीं खराब किया। ऐसे तो राधिका से ऐसी गलती होती नहीं है, पर क्या सच में राधिका ने इतनी बड़ी गलती कर दी? खैर ये सब सोच के अब क्या फायदा, हम जो चाहते थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। चलो सब लोग आज की आरती राधिका और दिव्यम करेंगे। आओ दिव्यम। बुआ जी आरती तो घर के बड़े बेटे और बहू करते हैं ना, और उस हिसाब से मैं और गोलू के पापा बड़े हैं। जी बुआ जी, घर के बड़े भाई साहब और भाभी हैं तो आरती करने का पहला हक तो उनका बनता है ना। आज मंदिर राधिका ने सजाया है और भोग भी राधिका ने बनाया है, इसलिए ये आरती राधिका और दिव्यम ही करेंगे। अरे माना पहले बड़े पूजा करते थे लेकिन अब बच्चों का वक्त आ गया है। आ जाओ आगे बढ़ो। हमरी भी हालत इस घर में हमरी सास जैसी होती जा रही है, कोई हम पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। आज के दिन हम लोग विद्या ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती की पूजा करते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। हर जगह जैसे हरियाली और खुशहाली होती है, वैसे ही परिवार के हर सदस्य को अपनी पुरानी बातें भूलकर मन मुटाव को मिटाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। जैसे धरती की गोद से नई फसल उगती है, ठीक उसी तरह रिश्तों की जमीन से नए सफर की मीठी कपोल उगनी चाहिए। माता रानी सब पर दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। बोलो सरस्वती माता की जय। तुम हमें अपना पति बेचोगी? कृष्णा तुम्हारा भला तुम्हें हमारी बहन बार बार क्यों दिखेगी? तुमने उसका क्या बिगाड़ा? तुमसे कैसी दुश्मनी उसे? हमसे दुश्मनी नहीं होगी तो किससे होगी, क्योंकि हमने ही उसे मारा है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर 9:30 PM। बोलो सरस्वती माता की। हे सरस्वती माँ, दिव्यम जी और हमारे रिश्ते पर कभी कोई आंच मत आने दीजिएगा। माँ थैंक।
थैंक यू, हमें आपका जवाब और आशीर्वाद दोनों मिल गया। हमें मदद करने दीजिए ना, आइए आराम से आराम से। दिव्यम जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन हमारे यकीन मानिए, हमने जानबूझकर माची का दिल नहीं दुखाया है। जानता हूँ राधिका, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से या तो उनका दिल दुखता है या फिर मेरा नुकसान होता है। उस दिन फाइल पर तुमने शेक गिरा दिया, कल कुर्ते पे सिंदूर, और फिर तुम्हारा पसंद किया हुआ कुर्ता परफेक्टली रखा हुआ था। मुझसे ना इतनी गलतियां बर्दाश्त नहीं होती राधिका, और हर इंसान की एक लिमिट होती है गलतियां बर्दाश्त करने की, मेरी वो लिमिट पार हो चुकी है। जी हम लेकिन मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मेरा इस वक्त बहुत मूड खराब है राधिका, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। मेरा मूड सही हो जाएगा, मैं खुद आके तुमसे बात कर लूंगा। दिव्यम जी लाइए, हम आपकी पट्टी बांध देते। मैं कर लूंगा, एक बार कहा ना मैंने कि मैं कर लूंगा तो मैं कर लूंगा। जिद मत कीजिए लाइए। सॉरी। जाने अनजाने में ठेस पहुंचाई, हमें ये तो नहीं पता कि हम आपको कैसे समझाएं कि हमारी गलती नहीं थी, पर अब हम आपको मना कर रहेंगे। मुन्ना मुन्ना ये तुझे चोट कैसे लगी? तो तू ठीक है ना? हाँ माँ, कुछ नहीं हुआ, वो एक्सरसाइज करते वक्त थोड़ी सी चोट लग गई, राधिका ने पट्टी कर दी, ठीक। हम नाश्ता लगा देते। खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगा। दिव्यम जी, हम आपको खाना नहीं खिला रहे हैं, आपके हाथ में चोट लगी है ना, तो हम आपकी सिर्फ मदद कर रहे हैं। अब आप आसानी से खा पाएंगे। अरे दिव्यम बेटा, अच्छा हुआ अभी तक तुम ऑफिस नहीं गए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये देखो, आज बहुत बड़ा बिजनेस समिट होने वाला है और मेरे सेक्रेटरी ने मुझे पहले नहीं बताया। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। देश से बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और नए डील्स करने के लिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बेटा। इनफैक्ट
फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, हमें करोड़ों की फंडिंग और नया बिजनेस मिल सकता है यहाँ से। और हाँ, नए लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ने के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं होगा बेटा। ठीक है पापा। जग्गू ये तो बहुत अच्छी बात है, गोलू और दिव्यम चले जाएंगे। नहीं माँ, एक कंपनी से एक ही आदमी जा सकता है, ये समिट का नियम है। अच्छा, या तो अकेला बिजनेसमैन जा सकता है या उसके साथ उसकी पत्नी। इसलिए मैं सोच रहा था कि दिव्यम राधिका को अपने साथ लेकर जाए। हाँ देवर जी, एक मिनट। ये लीजिए देवर जी, और दिव्यम की आरती उतारी है। अब आप उसे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए भेज रहे हैं? सच में महान है आपका बेटा, सारा काम तो बस दिव्यम को ही आता है, गोलू को तो कुछ नहीं आता है। आप एक काम क्यों नहीं करते देवर जी, पूरा का पूरा बिजनेस दिव्यम को ही थमा दीजिए। आप गोलू बेटा, तो ये तेरे पास तो और कोई काम नहीं है ना, तो बैठ के मक्खी मार। मक्खी क्यों, इधर आ तू। कविता क्या कर रहे हो, बात तो सुनो। समझा क्यों रही हो तुम कविता? मक्खी मत मार तू, तू राधिका का बॉडीगार्ड बन जा और कुछ मत कर। ये क्या हो गया, आप क्यों कर रही हो? चुप। कविता होश में तो हो तुम? मैं होश में हूँ गोलू के पापा, आप कब होश में आओगे? कविता। क्या कविता? कविता मम्मी जी, आप देवर जी को कभी कुछ क्यों नहीं कहते? आहिस्ता बात करो। सॉरी मम्मी जी। देवर जी माफ कीजिएगा, लेकिन जब भी कोई बड़ा काम हो तो आपको मेरे गोलू की याद क्यों नहीं आती है बताइए? मेरे गोलू के पास बस एक ही काम रह गया है, ये राधिका कब खो जाए बस गोलू से ढूंढने के लिए जाए, और कोई काम नहीं है। एक तो जरूरी काम उससे करवाते नहीं है देवर जी आप, जिससे गोलू की काबिलियत के बारे में आपको पता चले, तब तो बस आप उसे चाय में मक्खी की तरह निकल के बाहर फेंक देते। मम्मी रहने दो ना, वैसे भी सारे इवेंट्स बहुत बोरिंग लगते हैं मुझे। गोलू मैंने तुझे कहा ना, तू चुप हो जा। इन गोलू बोलू जी की दिक्कत क्या है? जिस काम से मान सम्मान बढ़े, पैसे आए, वो काम इन्हें बेकार ही क्यों लगता है? ना चाहते हुए भी राधिका को दिव्यम के साथ भेजना पड़ेगा। भाभी इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात है, अगर छोटा मोटा मौका होता तो गोलू चला जाता, लेकिन यहाँ पर इतने करोड़ों की बिजनेस डील की बात है, और ये तो सिर्फ हमारा दिव्यम ही संभाल सकता है। क्यों सुजाता, गोलू क्यों नहीं संभाल सकता है? गोलू भी संभाल सकता है। अरे पर भाभी चुप करो दोनों, ये फैसला हम करेंगे कि कौन जाएगा। हमारा फैसला है कि वहां राधिका और दिव्यम ही जाएंगे। और कली तुम्हें हम ये मौका नहीं दे सकते, तुम पर हमें कोई भरोसा नहीं है अब, और वैसे भी तुम गांव की हो, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, इसलिए राधिका और दिव्यम ही जाएंगे। और कविता तुम घर की बड़ी हो, समझो इस बात को, और जब बात पूरे परिवार की भलाई की हो तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जा सकता। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एक काम करो तुम दोनों चले जाओ साथ में, घर का सारा काम हम संभाल लेंगे। तुम क्यों देख लोगी घर का काम, ये कली है ना ये करेगी। भैया आइए, मेरी मीटिंग आज दोपहर की है तो मैं चाह रहा था कि सास जी, अब देवर जी नया कारोबार लाएंगे तो उनका रुतबा तो और भी बढ़ जाएगा, उनके साथ साथ चाची सास जी और देवरानी जी का भी, और हम दोनों तो बस इस घर में टूं टूं ना बचाते रह जाएंगे। हाँ Bye.
दिव्यम जी, अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम आपके साथ जाएं, तो हम कोई बहाना करके पापा जी को मना कर देंगे। बात आप पर नहीं आएगी। रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं। माँ तुमसे इतना नाराज है, उनका दिल दुखा है, फिर भी वो हर चीज में तुम्हें आगे कर रही है, भरोसा कर रही है वो तुम पे। जाओ, जाके तैयार हो जाओ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कि उनका दिल नहीं दुखना चाहिए और वहाँ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझे? जी दिव्यम जी, हम ध्यान रखेंगे कोई लापरवाही ना हो। दिव्यम जी के साथ जा रहे तो वहाँ अकेले में इन्हें मना लेंगे। कौन सी साड़ी पहने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिव्यम जी से भी नहीं पूछ सकते। जी मिश्रा जी, लाल कलर अच्छा तो लगेगा, लेकिन पैकेजिंग जिस हिसाब से है, हरा रंग ना ज्यादा उठ के आएगा उसका। हाँ जी मिश्रा जी, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। एक सेकंड। हेलो। भले दिव्यम जी हमसे नाराज हो, लेकिन भोलेनाथ ने इशारा देकर हमारी मदद कर दी। राधिका? जी माँ जी। राधिका, बुआ जी ने ये चरणामृत भिजवाया है, भगवान जी का प्रसाद है, तुम और दिव्यम दोनों लोग पी लेना, भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा और काम अच्छा होगा।